नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। गुजरात की केवड़िया कॉलोनी में आज रोज नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया, जिसमें प्रातः काल से ही भक्तों की भारी भीड़ जमा रही और भक्तों ने शिव जी का अभिषेक भी किया। वह आशीर्वाद के लिए महाशिवरात्रि पर्व निमित्त शाम को भगवान शिव की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग मौजूद थे और केवड़िया कॉलोनी के भगनी समाज की महिलाएं भी इस शोभा यात्रा में मौजूद रहीं। शाम को आरती का लाभ भी भक्तों ने लिया और प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें, पूरी रात चार पहर की पूजा का आयोजन रखा गया है। इस पालकी यात्रा के कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी रजनीश भाई वाला सर से बातचीत की और महाशिवरात्रि पर्व का महत्व जाना। केवड़िया कॉलोनी गुजरात से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया कॉलोनी में काफ़ी अच्छा नर्मदेश्वर मंदिर में काफ़ी अच्छा आयोजन चल रहा है और शिवरात्रि महापर्व है। शिवधन आरात्रि इसका अर्थ होता है, यानी शिव जी की रात्रि है और काफ़ी अच्छा माहौल यहां पर बना हुआ है। सुबह से ही प्रातः काल से काफ़ी भक्तगण यहां पर पधार रहे हैं और काफ़ी जनसंख्या भक्तों की बढ़ती जाती है। और मैं सभी को बता दूं, शाम 4 बजे से इसका पालकी का शिव पालकी का आयोजन रखा गया है। 6:30 बजे के समथिंग इसको महाआरती होगी, उसके बाद महाप्रसादी होगी और उसके उपरांत में पंडित जी द्वारा, यहाँ के पुजारी जी द्वारा, जो कि पंडित हरिशंकर जी शर्मा जी द्वारा अभिषेक एवं लघु रुद्र का आयोजन रखा गया है। काफ़ी और उनके सहयोग के लिए मैं रजनीश कुमार पारा सर यहाँ पर उपस्थित हूँ और उसके बाद 4 पहर की पूजा चलेगी और सभी को मैं पुजारी जी की ओर से और मेरी ओर से और सभी केवड़िया के ग्रामवासियों की ओर से, मैं सबके सभी ग्रामवासियों की ओर से और सभी भक्तजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपका जीवन सफल हो और मंगलमय हो। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व जो मनाया जाता है, तो ये महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है? इस पर्व का ये महत्व है, मैं आपको बता दूं भैया, कि ये पर्व जो है शिवधन आरात्रि, यानी शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ था। इसी दिन एक कथा ये भी है कि शिव जी ने विष को पिया था, उसके विष पान से शिव जी को इस रात्रि का सभी देवताओं ने वर्चस्व दिया था, क्योंकि शिव हमारे जो देवता हैं वो काफी त्रियोगी नाथ कहे जाते हैं और काफी इनका देवताओं में श्रेष्ठता भी है। और शिव एक ऐसे देवता हैं, काफी भोलेनाथ हैं, जैसे आप भी जानते हैं, और नाथों के नाथ जिसे कहा जाता है, कालों के काल जो महाकाल है वो शिव है। इस प्रकार से शिवरात्रि इनका मुख्य रात्रि मानी जाती है, क्योंकि शिव और पार्वती जी का मिलन हुआ है, इस प्रकार से शिवरात्रि कहा जाता है। जी, शिवरात्रि पर्व के दिन रात को जो 4 पहर की जो पूजा रखी जाती है, वो पूजा का क्या विशेष महत्व है? उस पूजा का ये महत्व है भैया कि प्रथम पूजा जो रखी जाती है वो सायंकाल से शुरू हो जाती है और द्वितीय पूजा 12 बजे होती है, तृतीय पूजा रात्रि में 3 बजे होती है और सुबह की पूजा का, इस पूजा का यह महत्व है कि शिवधन आरात्रि, क्योंकि रात्रि जागरण होता है, शिवरात्रि जो है वो रात्रि का जागरण होता है और शिव भगवान की 4 पहर की पूजा में, क्योंकि शिव और पार्वती जी इस दिन पूरी रात्रि में हम भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे। पंडित जी, अभिषेक का क्या महत्व है? अभिषेक का महत्व है हमारे जीवन में जो आर्थिक स्थिति से और सब प्रकार की स्थिति से हमारे जीवन में जो कहते हैं हम थोड़ी सी यादी व्याधि आती हैं, तो भगवान शिव के हम उपासक होते हैं और शिव भगवान हमारी मनोकामनाओं को अभिषेक से सफल करते हैं। कैसे कैसे चीजों से शिव जी का अभिषेक होता है? शिव जी का अभिषेक विशेषकर नर्मदा जल से किया जाता है, देशी गाय के दूध से किया जाता है, गन्ने रस से किया जाता है, सभी प्रकार से काफी, और मधु शीशे से किया जाता है, शहद से किया जाता है, और हर अभिषेक का अलग अलग प्रकार से, हर जैसे जल नर्मदा जल से अभिषेक करने में व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है, इक्षु रस से अभिषेक करने में व्यक्ति की सफलता प्राप्ति होती है, इस प्रकार अलग अलग अभिषेक किया जाता है जिससे व्यक्ति को सब प्रकार के जीवन मंगलमय होता है।